43 वर्षों के भीतर भारतीय तटरक्षक बल दैट इज इंडियन कोस्टल गार्ड ने अपनी ताकत बढ़ा दी है और यह अब दुनिया के सबसे बड़े तटरक्षकों में से एक है। यह सभी प्रकार की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर सकता है। वैश्विक व्यापार के लिए भारतीय जल सीमा से होते हुए प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख से अधिक व्यापारी जहाजों का आना जाना होता है, जो कि कई कारणों से इनसिक्योर है। इसको देखते हुए अपतटीय गश्ती पोत 6 वज्र को हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया है। तो आज के एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस में हम वज्र पोत 6 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस पोत का हम उद्देश्य जान लेते हैं। इस पोत से भारतीय तटरक्षक बल के प्रयासों को मजबूत करने के लिए 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 7500 किलोमीटर से अधिक विशाल समुद्र तट को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। वज्र वैश्विक व्यापार के लिए हर साल भारतीय जल के माध्यम से पारगमन करने वाले लगभग 1 लाख व्यापारी जहाजों को सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए तटरक्षक बलों के प्रयासों को भी मजबूत करेगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब वीडियो में हम देख लेते हैं इस पोत के हाईलाइट्स यानी कि इसके फीचर्स क्या हैं। यह पोत केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत लार्सन एंड टर्बो दैट इज एलएनटी शिपबिल्डिंग द्वारा डिजाइन और विकसित की जा रही 7 अपतटीय गश्ती पोत परियोजनाओं की श्रृंखला में 6ठे स्थान पर है। यानी कि इससे पहले 5 पोत ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और 1 पोत बचा हुआ है जो कि फ्यूचर में बनाया जाएगा। जहाज का उपयोग मुख्य रूप से दिन और रात की गश्ती और निगरानी के साथ साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आतंकवाद विरोधी और तस्करी विरोधी अभियानों के लिए किया जाएगा। इसे तटीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी तैनात किया जाएगा। अपतटीय गश्ती पोत में नवीनरी मशीनरी उपकरण और नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। इसमें अल्ट्रा आधुनिक तकनीकी और अग्रिम नौवहन और संचार प्रणालियों के साथ 2 नेविगेशन रडार भी होंगे। तो वीडियो के लास्ट में अब हम जान लेते हैं भारतीय तटरक्षक का स्थापना कैसे हुआ। तो भारतीय नौसेना 1960 से ही भारतीय जलीय क्षेत्र में समुद्री कानून को लागू करने तथा उपक्रमों की सुरक्षा एवं संरक्षा की दायित्व निर्वहन करने हेतु एक सहायक संगठन की स्थापना का अनुरोध करती आ रही थी और उस समय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली समुद्री तस्करी अपने चरम पर थी। इन समस्याओं से निपटने के लिए सन 1970 में नाग कमेटी की स्थापना की गई। समिति ने अपनी सिफारिशों में तस्करी की गतिविधियों से निजात पाने के लिए एक अलग से समुद्री बल की आवश्यकता पर जोर दिया और उसके बाद भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत की गई थी। अगर हम बात करें इस संगठन के ऑफिसेस कहां पर हैं, तो भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इंडियन कोस्टल गार्ड को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी, अंडमान व निकोबार और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र का हेड ऑफिस मुंबई में है, पूर्वी क्षेत्र का हेड ऑफिस चेन्नई में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का हेड ऑफिस कोलकाता में है, अंडमान व निकोबार का हेड ऑफिस पोर्ट ब्लेयर में है, वहीं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के हेड ऑफिस गांधीनगर जो कि गुजरात में स्थित है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वज्र के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।